छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर से एक साथ तीन लड़कियां लापता, परीक्षा देने के लिए निकली फिर नहीं लौटी घर, अपहरण की आशंका से परेशान परिजन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साथ तीन छात्राएं लापता हो गई हैं। तीनों स्टूडेंट 11वीं क्लास में पढ़ती हैं और एग्जाम देने के नाम पर स्कूल के लिए निकली थी। उनके घर नहीं पहुंचने से घबराए परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार तखतपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली तीन छात्राएं आसपास के गांव की हैं, जो रोज गांव से स्कूल आना जाना करती हैं। 15-16 साल की तीनों छात्राएं 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं। बीते 27 सितंबर की सुबह 9 बजे वे अपने अपने घर से परीक्षा देने के लिए स्कूल के लिए निकली थी। शाम तक घर नहीं पहुंची तो शुरू की तलाश। तीनों लड़कियां जब अपने अपने घर नहीं पहुंची तब परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। उनके पेरेंट्स ने पहले एक दूसरे से संपर्क किया और जानकारी ली, तब पता चला कि तीनों लड़कियां घर नहीं पहुंची हैं। इससे घबराए परिजनों ने बुधवार को तखतपुर थाने में जानकारी दी और अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत की। पुलिस केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। तीनों लड़कियां जब घर नहीं पहुंची तब परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने स्कूल के प्राचार्य विजयेंद्र देवांगन से भी जानकारी ली। उन्होंने पूछताछ की तब पता चला कि तीनों छात्राएं स्कूल ही नहीं आई थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि लड़कियां सुबह से ही गायब हो गई थी। इधर प्राचार्य विजयेंद्र देवांगन ने कहा कि मुझे बाहरी लोगों के पता चला है कि लड़कियां गायब हैं। उनके परिजनों ने अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी है। तखतपुर TISR साहू ने बताया कि तीन लड़कियों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। लड़कियां आसपास के गांव की हैं और सभी एक ही क्लास में पढ़ती हैं। एक स्टूडेंट के पास मोबाइल है जो बंद मिला है। प्रेम प्रसंग के चलते लड़कियों के लापता होने की आशंका है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।